अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जेटीवी वर्ल्ड का स्वागत है जेटीवी में। काफ़ी दिनों के बाद हम आज एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और वीडियो अपलोड करने का मकसद ये है, जैसे कि आप सब जानते हैं, एक मुसीबत समझिए, कोरोना की शक्ल में एक मुसीबत हमारे मलकेट पुलिस स्टेशन में आ गई है। अब हमारा फर्ज है कि नज़दीक आ गई है, एहतियात करें, और हमारा पूरा मलखेड़ वालों का सपोर्ट पुलिस वालों को रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग तकरीबन एक साढ़े चार महीने से जो भी ये कोरोना का जो पीरियड आया है, उस पीरियड में ये लोग, इन लोगों ने हमारी हिफाजत की है, दिन रात हमारी हिफाजत की है। डिपार्टमेंट ने जो काबिल तारीफ है। अब पुलिस वालों की जो मुसीबत आई है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें, और सब लोग दुआ करें कि इस बीमारी से जल्द वो वापस आएँ, इस बीमारी से निकल कर। तकरीबन 8-9 जनों को कुछ सिम्टम्स नज़र आए हैं, जिन्हें ट्रीटमेंट के लिए गुलबर्गा भेजा गया है, और हम सबसे तारीफ के काबिल काम किया है हमारे PSI साहब शिवशंकर साहू साहब ने, जो दिन रात अपनी मेहनत करके हमें भी सपोर्ट किया, काफ़ी सपोर्ट किया हमें भी, काफ़ी लोगों को बिजनेस जो करने वाले उन्हें सपोर्ट किया, हर तरह से जिस तरह का सपोर्ट करना था PSI साहब ने किया, और PSI साहब की मेहनत रही है। ये पूरे 4 महीने तकरीबन वो पूरे गांव का चक्कर करते थे, राउंड मारते थे, देखते थे, पब्लिक को अवेयरनेस कराते थे, मास्क बांटे, कई प्रोग्राम्स ऐसे हुए मलखेड़ के अंदर कोरोना के अवेयरनेस के बारे में। कई बार तकरीबन 1-2-4 बार मास्क वगैरह बांटे, सैनिटाइजर वगैरह, सब पब्लिक में अवेयरनेस करे। अब देखिए, एक मुसीबत जो डिपार्टमेंट पे आई है, हमारा फर्ज बनता है कि उनके साथ दें, उनका साथ रहें, और हम साहब को भरोसा देते हैं कि इस लॉकडाउन में जो भी मेहनत रही है पुलिस की, जो 24 घंटे दिन रात हमारी हिफाजत में, अब ये हमारे एक तरह से डिपार्टमेंट वालों को हम अपना साथी कह सकते हैं, सब लोग मलखेड़ वाले सब लोग अपना साथी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ मलखेड़ में थे, पुलिस स्टेशन में थे, हमारे गांव में हैं, और हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग उनके लिए दुआ करें, और हमारी दुआ ये है कि वो जल्द से जल्द ठीक होके आए, जितने भी पुलिस वाले गए हैं, डिपार्टमेंट के जवान। और शिवशंकर साहू साहब का इस लॉकडाउन में इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा है कि दिन रात वो अपनी ड्यूटी किए हैं मलखेड़ में, कि जो भी ये बीमारी की वजह से वो लोग हॉस्पिटल में गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी हिफाजत में, वो लोगों को ये मुसीबत आई है, इस वजह से हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए दुआ करें, उनके जल्द से जल्द आने की दुआ करें आप लोग, इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द आएंगे। और रही बात डिपार्टमेंट में, जो ये 4 महीने जो डिपार्टमेंट ने जो काम किया है कोरोना के पीरियड में, जो डिपार्टमेंट में काम किया है, बहुत बेहतरीन काम किया है। हमारे PSI साहब शिवशंकर साहू साहब का भी बहुत बेहतरीन इसमें रोल है, जैसे मास्क वगैरह बांटने में हो, अवेयरनेस के लिए हो, कई प्रोग्राम्स, कई पीस मीटिंग्स किए हैं, रमज़ान की पीस मीटिंग्स हुई है, ऐसे कई पीस मीटिंग्स हुए हैं, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है PSI साहब का। हम चाहते हैं कि हम सब, आज मैं तकरीबन 4-5 लोगों से मिला हूँ, जिसमें हमारे गंगाधर मुत्या भी है, गंगाधर स्वामी जी भी है, हनड़ी भी गया था मैं, हमारे अयूब खान साहब हैं, और शरण ओमटी है, और हमारे अमरीश गुड़ी हैं, और हन्ना खान हैं, और हमारे बेगरी के जो हमारे मलखेड़ के पूरे मलखेड़ के मामू हैं, सफदर मामू, उनसे भी हमने बातचीत की है इस डिपार्टमेंट के बारे में, जो कोरोना आया है। हम पुलिस को सपोर्ट करने के लिए हम कुछ वीडियो बनाना था हमारे को, इसलिए हम इस वीडियो को अपडेट कर रहे हैं, और हमारा सपोर्ट पुलिस को रहेगा, कभी भी हमेशा के लिए रहेगा, हमेशा रहेगा। और ये इस मुसीबत में हम सबका फर्ज है कि हम उनका साथ दें, और PSI साहब भी जो है ना, आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं सर मलखेड़ के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कई ऐसे मामलों में सपोर्ट किया है, और हम चाहते हैं कि जो भी ये बीमारी की वजह से गए हैं, इंशाल्लाह वो वापस आएंगे। देखिए, ये जो भी लॉ एंड ऑर्डर का, जो मलखेड़ के जो कोरोना का जो भी लॉ एंड ऑर्डर था, PSI साहब ने बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया है, लोगों की हिफाजत करने में हो, मास्क बांटने में हो, सैनिटाइजर बांटने में हो, शॉप्स की टाइमिंग वगैरह खोलना बंद करना, हर चीज़ को अच्छी तरह से मेंटेन किया है, बिना किसी टेंशन के, ना किसी को टेंशन दिया है, ना टेंशन दिया है सर ने।
बहुत अच्छा काम किया है। सरकार साहब की भी कभी कभी राउंड मलखंड में होती थी, सरकार साहब भी बहुत रिस्पॉन्स लिए हैं मलखंड के बारे में, हमारे पी एस एस साहब भी बहुत रिस्पॉन्स लिए हैं मलखंड के बारे में। और ये जो भी अपने डिपार्टमेंट के जो भी जवान हैं, जो भी पुलिस है, हम इनको ये जो भी जिसको भी कोरोना हो, जो भी कोरोना के सिम्टम्स में गए हैं गुलबर्गा, इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द आएंगे। और तकरीबन देखिए अब सिर्फ मलखेड़ एक ही नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट को, मलखेड़ के आजू बाजू जो भी गांव है उस गांव में जैसे कूड़ा है, हंगनली है, संगई है, आठ नंबर गेट, आठ नंबर कूड़ा है, ये सब संभालना था और क्वारंटाइन भी ये सब संभाल लिया डिपार्टमेंट वालों ने, पी एस ए साहब ने भी और पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने भी संभाल लिया है। हमारा ये मकसद ये वीडियो डालने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम डिपार्टमेंट से ये कहना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट वालों को इस बीमारी की वजह से अब तक आप लोगों ने हमें परेशान होने नहीं दिया, इस बीमारी में इंशाल्लाह हम भी आप लोगों को परेशान होने नहीं देंगे, आप जल्द से जल्द ठीक होके आएंगे। और जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, जो भी है, हम सबको अवेयरनेस की बातें करेंगे, बोलेंगे कि इन चीज़ों को फॉलो करो ताकि आप लोगों को तकलीफ ना पहुंचे, पीएसए साहब को तकलीफ ना पहुंचे। हम पीएसए साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ सर आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह वो लोग वापस आ जाएंगे, क्योंकि आपके साथी हैं, जो भी पुलिस वाले आपके साथी हैं, हमारे भी साथी भाई घर जैसा हैं, इंशाल्लाह वो वापस आएंगे सर, फिर से पुलिस स्टेशन हमेशा की तरह फिर से इंशाल्लाह चालू होगा। और मैं आज खुसूसन कुछ मेहमानों से गया था मिलने के लिए, मैं डिपार्टमेंट की खातिर मैं आज का वीडियो बना रहा हूं और मैं अपनी तरफ से ये वीडियो बना रहा हूं ताकि हम डिपार्टमेंट का जो चार महीने जो डिपार्टमेंट हमारे साथ था और हम ये सबूत हम ये पेश करना चाहते हैं कि हम इस मुसीबत के टाइम इस मुसीबत के वक्त हम भी आपके साथ हैं। सर JTV की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको सलाम है सर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री गुरु कार्तिकेश्वराय नमः। ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನಾದ್ಯಂತ ಈ ಕರೋನಾ ರೋಗ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಶೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನಾಗಲಿ ಮಳಕೇಡದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕರೋನಾದಿಂದ ಅವರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಊದಿನ ಬತ್ತಿ ತಾನು ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಂದಿಗೆ ಸುವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅವರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಇಂಥ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಳಕೇಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಪೊಲೀಸರು ಹೀಗಾಗಿದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಜನರಿಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಊರಾಗ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ತಿರುಗಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು, ಆನಂತರ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು, ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು, ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ ಒಂದು ಮುಕ್ತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಆದೇಶದಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಗುರು ಕಾರ್ತಿಕೇಶ್ವರಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ರೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದರಿಂದ ಭಯವನ್ನು ಇರಬಾರ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯಾವ ಕರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದರಿಂದ ಭಯವನ್ನು ಪಡಬಾರ್ದು, ಆತಂಕವನ್ನು ಪಡಬಾರ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಾವರ್ಸೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಖಾನ್, ಮಾಜಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಲ್ಕೇಡ್. ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಮ ಯೇ ಇಟ್ಟಲಾ ದೇನಾ ಚಾಹ್ರಾ ಜೊ ಹಮಾರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆ ಪಿಡಿಓ ಸಾಹಬ್ ಥೆ, ಹಮಾರೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸಾಹಬ್ ಕಲ್ ಉನ್ಕಾ ಇಂತೆಖಾಲ್ ಹುವಾ. ಬಹುತ್ ಅಫ್ಸೋಸ್ ಹೈ ಕಿ ಇಸ್ ವಕ್ತ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಮಾರಿ ಜೊ ಹೈ ಬಂದ್ ಹೈ ಔರ್ ಇಸ್ ಕೋಯಿ ಕಾಮ್ ನಹೀ ಹೋ ರಹೇ ಹೈ. ಔರ್ ಜಲ್ದ್ ಸೇ ಜಲ್ದ್ ಜೊ ಹಮಾರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್
जो तहसीलदार साहब एडमिनिस्ट्रेटर पंचायत ग्राम पंचायत में करे कोई ना कोई पीडीओ को जल्द से जल्द अपॉइंट करे। बाकी बात दूसरी बात ये जो मलखेड़ पुलिस स्टेशन है, मलखेड़ ग्राम पुलिस स्टेशन है, स्टाफ है जिसको जो कोरोना पॉजिटिव आ गया है, तो मैं सबसे पहले उनको ये कहना चाह रहा हूँ जितने भी स्टाफ है 10-12 जो से जो मेरे भाई है उसमें एक मेरी बहन है जो भी है लेडी और जेंट्स इसके अंदर, तो उनको मैं ये इत्तला देना चाह रहा हूँ कि इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये वाकया मेरे घर पे भी हुआ है, मेरी फैमिली में भी हुआ है, मेरे भाई के बच्चे के साथ हुआ है, यूनुस खान के साथ, जो 5 दिन में रिकवर हो गया हो। और ये भी कहना चाहता हूँ जो स्टाफ की जो फैमिली है, जो पुलिस स्टाफ की जो फैमिली है, तो उनको भी ये चीज़ से डरना नहीं चाहिए, उनको भी प्रार्थना करना चाहिए, दुआ करना चाहिए, दवा भी करना चाहिए, और दवा दुआ से ही सब अच्छा होता है, उनको भी डरना चाहिए नहीं। बहुत बल्कि 14 या 15 दिन जो क्वारंटाइन ख़त्म हो जाता है कोरोना उस सिस्टम में, अगर आपको ICU वार्ड में रखे हुए है, आपको ऑक्सीजन लग गया है, तो वो चीज़ थोड़ा आदमी को फिक्रमंद होता है। ये तो क्वारंटाइन में हो, पॉजिटिव भी आए तो क्वारंटाइन में, इसमें कोई डरने की बात नहीं है और कोई इसमें घबराने की बात नहीं। जो भी करेगा भगवान अच्छा ही करेगा और अच्छा ही होगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि पूरे मलखेड़ के अवाम से हो, जो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबसे बोल रहा हूँ कि स्टाफ के लिए दुआ करो, उनके लिए प्रार्थना करो कि जल्द से जल्द अच्छा होके अपनी ड्यूटी पे आए, ड्यूटी ज्वाइन करे और फिर जैसे कि उसे अपनी सर्विस और ज़िंदगी बहाल करे। तो एक कामन हो गया है और एक पुलिस स्टाफ के लिए, स्टाफ को मैं इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ, ये बेचारे हमारे ही काम के लिए और हमारी सेहत और हमारी तबीयत के लिए बेचारे हमारे लोग के लिए फिरे। कोरोना में फिरो या लॉकडाउन में फिरो, शायद आ गया होगा, उसमें कोई डरने की बात नहीं। और इंशाल्लाह मलखेड़ के तमाम मुसलमान जो है मस्जिद में इनके हक में दुआ मांगेंगे क्या इनकी दवा से भी तबीयत अच्छी हो जाए और दुआ से भी अच्छी हो जाए, और इसमें बेशक कोई डरने की बात नहीं। और सबसे पहले मैं जो यहाँ के PSI साहब है जो, उनको धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि उनके पास भी आज इतनी हिम्मत है क्या ये सब चीज़ को जो लेके चल रहे हैं, और आज भी जो पब्लिक में कोई हाईलाइट नहीं है, आज भी पब्लिक जो है ये चीज़ से यहाँ डर नहीं है क्या भाई ये कोरोना हो गया हमको यहाँ से जाना है आना नहीं है। और बहुत अच्छा सपोर्ट हमको पुलिस का है, इंशाल्लाह पुलिस के हक में हम दुआ ही करेंगे, पूरे गांव के माँ बहन बेटियों से भी हम कहेंगे कल जुम्मा है बाद नमाज के दुआ करो उनके हक में, इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवर होकर आप फिर अपने ड्यूटी पे आओ, ज्वाइन करो, फिर आपकी हंसी खुशी आपको भगवान अल्लाह वापिस दे। मैं ये दो बात कह के बात ख़त्म करता हूँ, शुक्रिया। नमस्कार, नानो शरण औंटी मलखेड़ BJP घटक अध्यक्ष। महामारी COVID-19 ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂದು ಭಾಳ ಜನರನ್ನು ಭಯಭೀತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆದರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ನೀವು ಇವತ್ತು 10 ಮಂದಿಗೆ ಬಂದದ ನಿಮ್ಮ 10 ಮಂದಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ತೀರಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ದರ್ಗಾ ಮುತ್ತೇರಲ್ಲಿ ಈ ಊರ ಚನ್ನೇರೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ, ಮತ್ತು ಶಿವಶಂಕರ ಸಾವು ಸಾಹೇಬರು ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ಹೆದರಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಹೆದರಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮಗೇನೇ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀರಿ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು COVID-19 ನಾವು ಹೆದರಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಸಿ ಹೋಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಮಂತ ಹೇಳಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವರು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಬಂದು ಏಟು ಹೊಡೆದ್ರ, ಆ ಜಾತಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದಾರ, ಈ ಜಾತಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದಾರ, ಇಂಥ ಭಾವನೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಪೊಲೀಸರು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಅನರ್ಥ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಇದರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಜಿಕೆ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಕಾಜು ಕಿಶ್ಮಿಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಿಂಬು ಶರ್ಬತ್ ಕುಡಿಬೇಕು. ಈ COVID-19 ಬರದ ಹಾಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾಡಾ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಕುಡಿದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೊಲೀಸರ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸರ 10 ಮಂದಿ ಮಲ್ಕೇರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರನ್ನು 10 ಮಂದಿಗೆ COVID-19 ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಹೆಂಡ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಾತು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೊಡೆದಾನ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೊಡೆದಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಬರೀಶ್ ಅಂಗುಡಿ ಅಂತ, ಬಲಿಸೇನೆ ತಾಲೂಕು ಜನ್ಸೆಡಮ್.
ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಡೀ ದೇಶ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು ವಿಷಾದಕಾರಿ ವಿಷಯ. ಇನ್ನೊಂದು ದುಃಖಕರ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಕಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ಕಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ತುಂಬ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪರ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಂಕು ಹರಡಿರೋದು ತುಂಬ ವಿಷಾದಕಾರಿ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಭಯಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ಕಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಶಿವಶಂಕರ್ ಸಾಹು ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಏನೇ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಕಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹರಡಿದೆ, ಕೂಡಲೇ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ को कोरोना आ गया, वो लोग जल्दी से जल्दी अच्छे होकर आने की हम दुआ करते हैं. और हमारी PSI साहब भी बहुत हेल्प करे हैं और पुलिस वाले भी बहुत हेल्प करे हैं. हमारी जितने भी पुलिस वाले हैं वो जल्दी अच्छे होकर आएंगे. जो भी फैमिली है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. दुआ कर रहे हैं हम, बहुत जल्द से जल्द अच्छे होकर आएंगे वो. हेलो नमस्कार सबको, मेरा सलाम अलैकुम. पुलिस भाइयों से मेरी यही कहना है कि पुलिस वालों से और मड़खेड़ के PSI साहब से, हम मड़खेड़ के सारे नौजवान आपके साथ में हैं और साथ में रहेंगे. डिपार्टमेंट हमारे मड़खेड़ में लॉकडाउन के लिए इतना अच्छा काम किया, हम कितनी भी तारीफ कर तो कम है. पुलिस वाले कोई डरने की बात नहीं है, हम रात दिन दुआ कर रहे हैं उनके लिए. उन्हें जल्द से जल्द आराम होंगे, आएंगे. कोरोना का बहुत बड़ा बीमारी नहीं है, आप इससे डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं. करके जो भी पुलिस वाले गए हैं उनकी बीवी बच्चों से भी मेरी यही गुजारिश है, आप हिम्मत से रहो, उनको जल्द से जल्द आराम होगा, आएंगे और आपके साथ पहले कैसा थे ऐसा रहेंगे. मिलकर दुआ कर रहे हैं, सारे मड़खेड़ के लोग दुआ कर रहे हैं उनके लिए, जल्द से जल्द वापस आएंगे. आप उनके बीवी बच्चों से यही मेरी गुजारिश है, इस टाइम पर हिम्मत देना, आप घबराना नहीं. नौजवानों से और पूरे मड़खेड़ के भाइयों से यही मेरी गुजारिश है, वहाँ यहाँ जमा मत हो, फालतू होटल में मत जाओ, पियो मत. और गेट के होटल में तो आप जाओ मत, गाँव वाले घर में अपनी बीबी को बोलो खाओ पियो. अगर कोई मजबूरी है गाँव में उसको नहीं है खाने के लिए, उन जाकर खा रहा तो गेट पर कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन यही कहना है मेरा, गाँव से हमारे गाँव में फैक्ट्री है, पर गाँव से लारी के ड्राइवर आते हैं, किसको है किसको नहीं होगा नहीं बोल सकते. एहतियाती करो, मास्क लगा लो, अपने घर में गए बाद साबुन से हाथ मुँह धो लो और फ्रेश रहो. ये कोरोना बीमारी मजाक नहीं है, हकीकत है. इसमें ये आई, अरे ये क्या आता कोरोना, देखेंगे देखेंगे बोलने का नहीं, देखेंगे देखेंगे मतलब जाना पड़ता. लेकिन इतना भी आप लोगों डर के रहना नहीं है, लेकिन बीमारी है इससे बच के रहो. सारे मड़खेड़ के नौजवान भाई से मेरी यही